अब खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज चुनावी दौरा है। जी, आज से 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर सीएम गहलोत रहने वाले हैं और उनके साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन में प्रदेश के 6 जिलों में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम गहलोत, और सबसे पहले प्रतापगढ़ के अरनोद में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2 बजे बांसवाड़ा के बागीदौरा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि शाम को 4 बजे उदयपुर के गोगुंदा में भी सीएम गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उनके साथ ही सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। आज 6 जिलों 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं सीएम गहलोत और 6 जिलों में दौरा कर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रतापगढ़ के अरनोद में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे बांसवाड़ा के बागीदौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद उदयपुर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और साथ ही आपको बता दें कि सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ आज कितने बजे है जनसभा पहली उनकी? देखिए लवीना, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव प्रचार के अभियान राजस्थान में कर चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके साथ सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी 5 लोकसभा क्षेत्रों में पहले जनसभाएं कर चुके हैं। आज प्रतापगढ़ के अरनोद में, बांसवाड़ा के बागीदौरा में जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जनसभा है, साथ ही उदयपुर के गोकुंडा में भी आज 3 जनसभाओं को ये संबोधित करेंगे। इनके साथ सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और प्रभारी अविनाश पांडे भी सीएम के साथ रहेंगे। जी नवीना, राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं उन्हें जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कांग्रेस ने जो लक्ष्य रखा है 300 सभाएं प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करने का, उसको देखते हुए लगातार आज भी 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हैं और कल भी 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी दिनेश, ये बताएं पहली जनसभा का क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंचेंगे सीएम गहलोत? देखिए लोग ना, कुछ ही देर में अरनोद पहुंचेगा। सीएम का जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हो चुके हैं चार्टर प्लेन से और कुछ ही देर में अरनोद पहुंचने का कार्यक्रम। जी दिनेश, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए जो जनसभा है, सीएम वहाँ पहुँचेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं जी। साथ ही सभा स्थल की बात करें तो वहाँ पर भीड़ का जुटना शुरू हो गया था काफी पहले से ही और लगातार लोगों का पहुँचना शुरू। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सीएम गहलोत 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं और साथ ही 2 दिनों में 6 जिलों में जनसभाएं करने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे और सबसे पहले प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं सीएम गहलोत और उसके बाद दोपहर 2 बजे बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर उदयपुर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं सीएम गहलोत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब जनसभाओं का भी दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लाजमी सी बात है, बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। सीएम गहलोत कुछ ही देर में प्रतापगढ़ पहुंचने वाले हैं, उसके बाद दोपहर 2 बजे बांसवाड़ा के बागीदौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।